पकड़ते हैं हम राजस्थान की हर खबर। देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरवी। आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पायलट समर्थक विधायक और राठौड़ को डोटासरा की चेतावनी। डोटासरा बोले, पार्टी कमजोर करने का अधिकार किसी को नहीं। सिवाना के डाक बंगले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई, श्रद्धांजलि भी दी गई। जोधपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल का किया निरीक्षण, विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर ली घटनाक्रम की जानकारियां। और खबरें विस्तार से। सचिन पायलट समर्थक पर्वतसर विधायक रामनिवास गवाड़िया और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के बीच हुई बयानबाजी पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दोनों को चेतावनी दी। डोटासरा ने कहा, सभी लोगों को मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और उनके संस्कार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का किसी का अधिकार नहीं है। इन सब चीजों पर पार्टी आलाकमान गौर कर रहा है। खबर जोधपुर से है, जहां राष्ट्रीय एकता दिवस में विभिन्न कार्यक्रमों की हुई शुरुआत। जोधपुर जिला मुख्यालय पर 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। जिला कलेक्टर परिसर से उम्मीद राजकीय स्टेडियम तक हुई रन फॉर यूनिटी एकता दौड़। एसपी ट्रैफिक अंशु जैन और उपखंड अधिकारी अपूर्वा परवाल ने जिला कलेक्टर में रन को दिखाई हरी झंडी। नमस्कार, मैं अपूर्वा परवाल, एसडीएम जोधपुर साउथ। आज एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में एकता दौड़ का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया गया है, जिसका मुख्य आयोजन जिला खेल अधिकारी द्वारा किया गया था। इसके अंदर हमारे यहाँ से शिक्षा विभाग के विभिन्न छात्र छात्राएँ, भारत खेल प्राधिकरण, पुलिस फोर्स व अन्य आमजनों ने आज भाग लिया था। और हमारी ये दौड़ जो स्टार्ट हुई थी वो कलेक्ट्रेट से प्रारंभ होकर उम्मीद स्टेडियम में ख़त्म हुई। तो आज एकता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जहाँ कीर समाज की 3 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। कीर समाज साध्वी महंत योगी मायानाथ अलक आश्रम करुकड़ा, सहारना विधायक गायत्री देवी त्रिवेदी, डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट, कपासन प्रधान भैरूलाल चौधरी, कांग्रेस के नेता ललित बैरीवाल, समाज के नशा मुक्ति अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोमल सिंह वाणिया, प्रदेश अध्यक्ष कीकाराम जालोर के आतिथ्य में आयोजित समापन समारोह में प्रतियोगिता की विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। विधायक त्रिवेदी एवं डेयरी चेयरमैन जाट ने खेलों के माध्यम से समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने का उपयुक्त मंच बताते हुए प्रतियोगिताओं के आयोजन को अनुकरणीय बताया। इसी दौरान प्रधान चौधरी के कपासन में कीर समाज के छात्रावास निर्माण के लिए शीघ्र भूखंड आवंटित करवाए जाने की घोषणा की। खबर सिवाना से है, जहां कस्बे के डाक बंगलों में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। जिला उपाध्यक्ष मदनपुरी गोस्वामी ने बताया कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता के लिए बलिदान दिया, उनकी योजनाओं का आज तक जनता को लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कड़े निर्णय पर देश को एकता में पिरोने का काम किया। ब्लॉक अध्यक्ष पूनम चंद्र रामदेव ने कहा कि मजबूत भारत इंदिरा गांधी का एक सपना था। अपनी शहादत के 2 दिन पहले ही इंदिरा गांधी ने एक सार्वजनिक भाषण में कहा था कि अगर देश की सेवा करते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे उस पर गर्व होगा। मुझे विश्वास है कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के विकास में योगदान देगा और इसे मजबूत और गतिशील बनाएगा।
खबर छिपा बड़ौद से है, जहां कला साहित्य संस्कृति और पूर्वावत विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दौरान रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। छात्रों को ACBEEO भगवत किशोर नामदेव व नोडल प्रभारी विक्रम सिंह हाडा ने हरी झंडी देकर रवाना किया। NSS प्रभारी व्याख्याता लोकेश नागर ने बताया कि रन फॉर यूनिटी का आयोजन उच्च माध्यमिक विद्यालय छिपा बड़ौद के डोलम चौराहे तक किया गया। इसमें NSS छात्रों ने और समस्त स्टाफ ने भाग लिया। इसके समापन के बाद सभी द्वारा राष्ट्रीय एकता की शपथ ली गई। खबर जालौर जिले के आहोर से है, जहां उपखंड मुख्यालय पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इसी दौरान चामुंडा माता मंदिर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तक दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं तहसीलदार हितेश त्रिवेदी ने यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इसके पश्चात विद्यालय परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में शपथ दिलाई। इससे युवाओं और प्रशासन अधिकारियों ने भाग लिया। खबर जोधपुर से है, जहां राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने सोमवार को पाल रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल का निरीक्षण किया और हाल ही विद्यार्थी के साथ हुई घटना के बारे में वास्तुस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जोधपुर के अमरगढ़ रिजॉर्ट में घटित घटना के संदर्भ में स्कूल प्रबंध से जानकारी ली, साथ ही विद्यार्थियों से सीधे संवाद स्थापित कर उनसे चर्चा की और पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर गहराई से छानबीन की। आयोग अध्यक्ष ने कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से सहज वातावरण में स्नेह के साथ चर्चा की और घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बच्चों ने घटना को लेकर सारी बातें बिना किसी संकोच के खुलकर बताई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।